हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो पीछे टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक के आगे वाले पार्ट शुरू करते हैं, और जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो पार्ट पढ़ लिए अभी तक। बीच में कुछ क्वेश्चन भी डालने शुरू हो गए, तो ये थोड़ा पार्ट एक बार छूट गया था। उसमें दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद सेकेंड पार्ट के अंदर हमने एटॉमिक मॉडल पढ़े हैं, और मॉडल के अंदर क्या है कि हमने वहाँ पर बोर, ये थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल दोनों पढ़ लिए। आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल के बाद आगे वाला स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, और बोर मॉडल, और बोर मॉडल के बाद फिर नई अवधारणाएं पढ़ेंगे। नई अवधारणा हम पढ़ेंगे फिर आगे कि इसके अंदर डी ब्रोगली समीकरण, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, उनके बारे में आगे अलग से पढ़ेंगे। तो आज हम चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट थर्ड। क्या ये इसका पार्ट थर्ड है? ये भाग तीन, और पार्ट थर्ड जो है इसका पार्ट थर्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड जो है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट थर्ड के अंदर जो हमने एक एक तो पढ़ा था पहले थॉमसन का मॉडल, परमाणु संरचना का थॉमसन मॉडल पढ़ लिए, और एक हमने इसे पढ़ा है। इसके बाद दूसरा, दो नंबर, परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया हमने, रदरफोर्ड मॉडल ये पढ़ लिया। इसके बाद हम तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं, वो है परमाणु संरचना का बोर मॉडल। तीसरा कौन सा है? परमाणु संरचना का बोर मॉडल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, या एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोर मॉडल। और बोर मॉडल में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। या देखो बोर मॉडल है क्या, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोर मॉडल परमाणु संरचना का बोर मॉडल, और बोर मॉडल ने, बोर मॉडल में बोर ने क्या है, नील्स बोर ने यह मॉडल एक तो 1913 में दिया नील्स बोर ने। अब क्यों दिया? क्योंकि देखो रदरफोर्ड मॉडल जो था ना, रदरफोर्ड मॉडल पीछे हमने पढ़ा है, रदरफोर्ड मॉडल, इस मॉडल की दो तीन कमियां रह गई थी, कमियां। और कमियों में एक तो कमी क्या थी, उसने मैक्सवेल वाले सिद्धांत की व्याख्या नहीं की। मतलब मैक्सवेल ने क्या कहा था कि अगर कोई भी आवेशित कण निरंतर अगर चारों ओर घूमे या गति करे तो क्या करता, ऊर्जा को नष्ट करता है। और मैक्सवेल के इस कंसेप्ट को साइंटिस्ट ने क्या किया, रदरफोर्ड के मॉडल पे लागू कर दिया, और ये कह दिया कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज वाला यानी आवेशित चार्ज पार्टिकल है, और अगर आवेशित कण गति करेगा तो निरंतर ऊर्जा क्या करेगा, वो नष्ट करेगा, ह्रास करेगा, ऊर्जा नष्ट होगी। ऊर्जा नष्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा कम करते हुए अंत में क्या है, अपने नाभिक के अंदर, परमाणु के नाभिक में क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता, परमाणु अस्तित्व खत्म नहीं होता। तो यानी परमाणु को न तो नष्ट कर सकते और न ही उत्पन्न कर सकते, यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। तो इसका अर्थ हुआ कि परमाणु खत्म नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निरंतर गोलाकार ही घूमता रहता है, यानी अंदर नहीं गिरता। उसका कारण क्या, तो इस कारण का स्पष्टीकरण किसने किया, फिर यहाँ बोर के द्वारा किया गया। एक, उसने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में, रदरफोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में कितने होते हैं, तो उसने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बोर ने यहाँ कुछ बातें बताई। तो बोर जो मॉडल है, बोर मॉडल में बोर ने क्या किया, कुछ पॉइंट बताए हैं परमाणु संरचना के बारे में, जिनको बोलते हैं बोर मॉडल के अवधारणाएँ या पोस्टुलेट। तो ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें बोर मॉडल की अवधारणाएँ क्या पढ़ेंगे, बोर मॉडल की अवधारणाएँ, या इसको बोलते हैं पोस्टुलेट, पोस्टुलेट या मुख्य बिंदु बोल दें, बोर मॉडल के मुख्य बिंदु भी बोलते हैं, मुख्य बिंदु करेंगे। अब देखो बोर, और बोर के बारे में आपने सुना है बहुत बार, तो नील्स बोर जिसने परमाणु संरचना का मॉडल दिया, ये है नील्स बोर, ये नील्स बोर है जिसने 1913 में रदरफोर्ड के मॉडल का आगे और स्पष्टीकरण किया नील्स बोर के द्वारा, इनके द्वारा किया गया, ये है नील्स बोर। थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, साइंटिस्ट के नारे पढ़ रहे हो तो इसकी थोड़ी इमेज भी आपको याद हो, तो ये नील्स बोर है। अब देखो इस नील्स बोर ने क्या किया परमाणु संरचना में, उसने मेन मुख्य मुख्य पॉइंट कौन कौन से बताए, उन पॉइंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो उसने पहला पॉइंट क्या बताया, सबसे पहले नंबर एक, फर्स्ट पहला पॉइंट। अब देखो पहली तो रदरफोर्ड मॉडल की पहली कमी को उसने दूर किया, और क्या कहा नील्स बोर ने कि जब कोई नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में चक्कर लगाता, जैसे ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे गोलाकार क्या कर रहा है,
चक्कर लगा रहा है, गोलाकार इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसके नाभिक के चारों ओर क्या हो रहा है, गोलाकार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में। और इलेक्ट्रॉन जब गोलाकार पथ में घूमेगा ना, ये उस अवस्था में क्या करेगा, गोलाकार पथ में घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या दो प्रकार के बल काम करते हैं। किसने कहा, नील्स बोर ने, क्योंकि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे और ये गोलाकार ऐसे राउंड लगा रहा है, घूम रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन के घूमने का पथ है ये, जिन गोलाकार पथ हम चक्कर लगा रहा है। उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर क्या दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक तो बल इसको इधर ले जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नाभिक क्या ये पॉजिटिव, ये नाभिक है न्यूक्लियस, ये नाभिक ये धनात्मक है, तो नाभिक धनात्मक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इसकी तरफ क्या करता है, ये आकर्षित करता है, इसको खींच रहा है। और एक बल क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है इस तरह से, जैसे अगर हम कोई छोटी वस्तु या जैसे कोई पत्थर है, अगर हम धागे के बांध के तेज घुमाएं और घुमा के अगर छोड़ दें तो क्या वो पत्थर घूमता रहेगा, नहीं घूमेगा, क्योंकि छोड़ते तुरंत क्या पत्थर जिस दिशा में घूम रहा है उस दिशा में बाहर की तरफ चला जाएगा। तो मतलब एक जो है बल उस पत्थर को बाहर खींच रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत तेज घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक तो बल क्या है बाहर की तरफ खींचता है, और एक हमारे हाथ रस्सी के बीच लग रहा है आकर्षण, अंदर खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन यानी उस पत्थर को, तो एक वो बल लग रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी तेज घूमेगा तो एक तो बल उसका बल बाहर ले जा रहा है और एक क्या नाभिक उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, तो इसमें दो बल काम कर रहे हैं। तो यहाँ इस दो बलों के आपको नाम याद रखने हैं, ये जो बल बाहर खींच रहा है ना, इस बल को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं इसको, ये है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो अंदर खींच रहा है ना, ये अंदर खींच रहा है, इस बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ये क्या है, ये है अभिकेंद्रीय बल। क्या ये अभिकेंद्रीय बल अंदर खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब केंद्रीय बल जो है ना, इसका मान बताया इस इलेक्ट्रॉन के लिए बोर के द्वारा, क्या बताया गया कि अब केंद्रीय बल का मान इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है कि एम वी स्क्वायर बटे क्या होता है आर, कितना होता है कि एम वी स्क्वायर बटे आर होता है ये अब केंद्रीय बल का मान। और अब विकेंद्रीय बल का मान इलेक्ट्रॉन के लिए ना भी खींच रहा है तो जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर होता है ये अब विकेंद्रीय बल का मान। और क्या कहा नील्स बोर ने कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जब किसी कोश में चक्कर लगाएगा उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों बलों के मान बिल्कुल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर दोनों को बराबर कर दें, लिख देना ऐसे कि अब केंद्रीय बल बराबर क्या है अभिकेंद्रीय बल, उस अवस्था में अपकेंद्रीय बल का मान कितना है कि एम वी स्क्वायर बटे आर, अभिकेंद्रीय बल का मान कितना है जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। एक आर से हम आर क्या कर दें कैंसिल कर दें, काट दिया यूं, तो क्या बच गया कि एम वी स्क्वायर बराबर क्या बच गया जेड स्क्वायर बटे आर बच गया। यह आ गई बोर मॉडल की पहली अवधारणा, क्या आ गई ये बोर मॉडल का फर्स्ट कंसेप्ट या फर्स्ट पोस्टुलेट आ गया बोर मॉडल की पहली अवधारणा। और ये थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इस पे एग्जाम में देखो दो तीन क्वेश्चन बन गए कि अब केंद्रीय बल का मान कितना होता है अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है। अब देखो एग्जाम में इसमें एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया फिजिक्स में आया था क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक भी है, तो सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर जो है उसमें ये फिजिक्स के अंदर भी थोड़ा पोर्शन आता है जिसमें एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं परमाणवीय भौतिकी, उसके अंदर भी ये बोर मॉडल वगैरह चालू रहते हैं यानी इसमें पढ़ते हैं। उस अवस्था में वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि दही जो है कि दही को मंथने पर मक्खन का बाहर निकलना किस बल के कारण होता है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आगे लिखे हुए अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय से। तो याद रखना आपको बाहर निकालने वाला बल, क्योंकि मक्खन का बाहर निकलना तो बाहर निकालने वाला बल कौन सा होता है हमेशा अपकेंद्रीय बल होता है बाहर निकालने वाला, और अंदर खींचने वाला बल कौन सा होता है हमेशा अभिकेंद्रीय बल क्या होता है अंदर खींचने वाला अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, ये ध्यान रखना है कोई प्रश्न आ जाए। और अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल का मान आपको याद रखना है, अपकेंद्रीय का एम वी स्क्वायर बटे आर, अभिकेंद्रीय का जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, दोनों के मान बराबर करने के बाद समीकरण आई है एम वी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर बटे आर। और अब इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से बोर मॉडल के अनुसार कौन सा संबंध सही है या सही नहीं है, उस अवस्था में ध्यान रखना इसके अलग अलग रूप लिख दें। तो ये थोड़ा याद रखो कि एम वी स्क्वायर बराबर क्या होता है जेड स्क्वायर बटे आर होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। ये तो क्या है बोर मॉडल की पहली अवधारणा, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता, निरंतर गोलाकार कक्ष में चक्कर क्यों काट रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, कारण क्या है, उसने रदरफोर्ड मॉडल की कमी को दूर कर दिया कि दो बल कारण है इसके, इसलिए दोनों मान बराबर, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है अंदर नहीं गिरता, लगातार निरंतर अपने कक्ष के अंदर क्या चक्कर काटता रहता है। अगर इसको थोड़ा सा बढ़िया डायग्राम से बताना चाहिए तो इसे बता सकते हो आप, देखो इस तरह से मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो आराम से थोड़ा स्पष्ट रूप से, जैसे ये
है ना। और इसके अंदर देखो, यहाँ थोड़ा सा अगर हम नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हो कि जैसे ये है लिखा ना, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन निरंतर तेज घूम रहा है, तेज घूम रहा है, एक बल इसको बाहर खींच रहा है, बाहर की तरफ खींच रहा है इसे, और एक बल के इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। अब बाहर जो बल खींच रहा है ना, इसको बाहर खींच रहा है, इस बल को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, यानी जब गोलाकार यानी पथ में घूमता है तो यानी बल के कारण क्या है, सर ये सेंट्रीपिटल बल के कारण क्या है, इस प्रकार से इसमें फोर्स का मान आता है, कितना आता है, एम वी स्क्वेयर बटे आर आता है, ये हमने अभी लिखा है। और एक जो है इसको अंदर खींच रहा है ना, ये बल अंदर खींच रहा है, ये नाभिक, प्रोटोन है नाभिक, क्योंकि उस टाइम न्यूट्रॉन ज्ञात नहीं था, क्योंकि 1913 में 1932 में न्यूट्रॉन खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई, तब न्यूट्रॉन ज्ञात नहीं था, नाभिक में क्या थे, प्रोटोन मानते थे, इसलिए हमने लिखा है प्रोटोन, ये प्रोटोन है, ये सर्कुलर पाथ यानी गोलाकार पथ में जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। अब ये ड्यू यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी प्लस और माइनस के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण मतलब क्या होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव प्रोटॉन प्लस और माइनस के बीच में आई। और फोर्स का मान क्या लिखा हमने, के ई स्क्वेयर बटे आर स्क्वेयर, के यहाँ पर यानी परमाणु क्रमांक है, जिसको हमने यहाँ क्या लिख दिया, पीछे जेड लिख दिया, तो जेड ई स्क्वेयर बटे आर स्क्वेयर कर दिया, की बात दोनों सेम ही है। और क्या कर दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के मान बराबर है, बराबर बराबर रख दिया, यहाँ बराबर रख के इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो, आर से आर काट दोगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा एम वी स्क्वेयर बराबर के ई स्क्वेयर कर दो या जेड स्क्वेयर कर दो, है ना, जेड स्क्वेयर बटे आर आ गया ऐसे, इस तरह से। तो ये हमने पीछे निकाला है वही है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा आप अगर करना चाहो तो ऐसे इस तरह से इसका डायग्राम थोड़ा सा आप बना सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बनाना चाहो तो बना सकते हो, थोड़ा सा इसको मैं दोबारा वापस आपके लिए साफ कर देता हूँ। अब देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा आप एक बार वीडियो को पॉज करके और अपनी कॉपी में डायग्राम को आप उतार सकते हो, ये उतार सकते हो, कर लोगे ये। अब इसके बाद देखो, ये तो पहली अवधारणा थी, अब सेकेंड इसकी मेन कंसेप्ट या सेकेंड पोस्टुलेट क्या है कि बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रोनाभिक के चारों ओर जिन गोलाकार पथों में चक्कर यानी जिन गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाता है ना पथों में, उनको उस परमाणु का कक्ष बोलते हैं यानी ऑर्बिट, या उस परमाणु का सेल यानी कोष बोलते हैं, उस परमाणु की ऊर्जा स्तर कहते हैं। कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गोलाकार पथ में चक्कर लगा रहा है ऐसे नाभिक है, इस तरह से, और इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, गोलाकार घूम रहे हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन, यूं गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, और ये गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं ना इन ये, और जिन गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोस, क्या कहते हैं इनको, इनको कोस कहा जाता है, ये कोस है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोस को, सेल, या इनको बोलते हैं कक्ष, कक्ष मीन्स ऑर्बिट, ऑर्बिट, या इनको बोलते हैं ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल, क्या बोलते हैं इनको, ऊर्जा स्तर, या इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर कहते हैं। और जिन ऊर्जा स्तरों को क्या है, के ऐसे एल एम एन आगे ओ पी इस प्रकार से दर्शाते हैं, तो कोस को दर्शाने का तरीका उसने बता दिया, के एल एम एन ऐसे दर्शाएंगे। और पहला जो कोस होता है ना, फर्स्ट पहले वाला, ये पहले वाला कोस, ये कौन सा है, ये दूसरा, ये कौन सा है, तीसरा, ये कौन सा है, चौथा कोस है। और पहले वाले कोस के लिए संख्या एक, तो n का मान एक, दूसरे के लिए दो, तीसरे के लिए तीन, चौथे के लिए चार, और छोटा n जो लिखा ना हमने ऐसे, ये छोटा n, इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। आगे पढ़ेंगे क्वांटम संख्या के बारे में, तो वहाँ पर हमारा एक पॉइंट आ जाएगा ये कि क्वांटम संख्या के खोजकर्ता कौन थे, किसका नाम आएगा, बोर का नाम आएगा। तो इनको बोलते कोस या कक्ष या ऊर्जा स्तर बोलते, जिनमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ के गोलाकार पथों में चक्कर लगाते, जिनको के एल एम एन से दर्शाते हैं। और ज्यों ज्यों हम दूरी बढ़ेगी ना, ऐसे इधर चलोगे ऐसे, तो इन कोस की ऊर्जा भी क्या है, बढ़ती चली जाती है, यानी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, अगर एनर्जी का क्रम लिखे ना, तो सबसे कम किसकी होगी, के की, उससे अधिक एल की, उससे अधिक एम की, उससे अधिक इसकी होगी एन की, इस प्रकार से।
ऊर्जा का यह क्या आगे बढ़ता हुआ क्रम है, धीरे धीरे क्या ऊर्जा बढ़ती जा रही है, कैसे आगे से लोग ऊर्जा का मान, जैसे पहला कोष ऊर्जा कम फिर और अधिक ऐसे क्या है धीरे धीरे एनर्जी का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता रहता है, इनको बोलते हैं कोष कक्ष या ऊर्जा स्तर बोलते हैं। थोड़ा ध्यान रखना आपको, पहले कोष को के, दूसरे को एल, फिर एम, फिर एन एस, इस प्रकार से इनको दर्शाया जाता है। तो ये तो क्या है बोर मॉडल की सेकेंड अवधारणा है, दूसरी अवधारणा। तो दूसरी अवधारणा को आप अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आप डायग्राम से आपको बता सकता हूँ इस तरह से ही कि जैसे ये है इस तरह से ही है ना, ये परमाणु का क्या, ये क्या हो गया परमाणु का नाभिक है, ये क्या है, ये नाभिक हो गया, ये नाभिक वाला भाग है ना, ये पहला कोष, फिर क्या है दूसरा, फिर क्या हो गया तीसरा कोष, चौथा ऐसे लास्ट ऐसे अनंत की तरफ चलते हैं। और अब जब इलेक्ट्रॉन जो जैसे है ना छोटे वाले से ऊपर वाले जा रहा है या नीचे आ रहा है, इस प्रकार से एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, तो जो जो जाएगा ना इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से जो जो दूरी बढ़ेगी ऐसे दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी का मान भी क्या है बढ़ता चला जाता है। ये थोड़ा याद रखना है कि इसमें बोर मॉडल की दूसरी अवधारणा थोड़ा याद रखना है किस प्रकार से एनर्जी का मान के इसमें बढ़ता जा रहा था, ये बोर मॉडल की दूसरी अवधारणा है। उसके बाद देखो बोर मॉडल की तीसरी अवधारणा, थर्ड, तीसरी अवधारणा में क्या कहा कि बोर ने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जब गोलाकार पथ में चक्कर लगाएंगे ना, तो उन गोलाकार पथ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब देखो रदरफोर्ड मॉडल की कमी रह गई थी, उसने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, यहां बोर ने क्या कहा उसने इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानकारी दे दी कि नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमे गोलाकार पथ में, को कोष बोलते हैं, और किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है 2n² होती है। तो उसने फॉर्मूला दिया ये किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n² और ये बहुत सारे एग्जामों के अंदर, छोटे एग्जाम जो है उनके अंदर भी, बड़े सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तब किसका नाम याद रखना है आपको, कौन सा याद रखना है फॉर्मूला 2n² और n यहाँ पर क्या है कोष की संख्या है, ये एन क्या है ये कोष की संख्या है, एन कोष की संख्या है। अगर आप करना चाहो ना तो इस प्रकार से बना सकते हो कि कोष के लिए एन का मान, फिर यहाँ लिखना चाहो तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अब कोष कौन सा है के, इस प्रकार से यूँ एल एम ऐसे एन इस तरह से, और एन के मान लिखे हैं तो पहले कोष के लिए एक, दूसरे के लिए दो, तीसरे के लिए तीन, चौथे के लिए ऐसे चार, और n या कोष के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें कोष के अंदर, तो n का मान एक, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला कौन सा है 2n² n का मान एक, एक का स्क्वायर गुणा दो, दो गुणा एक कितना हो गया दो इलेक्ट्रॉन, दो का स्क्वायर चार, चार दूनी आठ, आठ इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे ही कितना आ गए 16 इलेक्ट्रॉन, चार यानी तीन 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 नौ 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऐसे 18 आ गए तो 18 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ रख दिए चार 16 32 इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर एन का मारा करो तो 50 इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अब कहते हैं ना आपसे, अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किसी परमाणु के पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है दो, या किसी परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो ऐसे कह दे, एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, या तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे तो 18। अब कई बार क्वेश्चन क्या लिखते हैं, अब प्रश्न लिखने का तरीका भी है एक, और क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है इसमें थोड़ा मैं आपको बताता हूँ एक और, जैसे प्रश्न क्या लिखा आता है ऐसे कि किसी परमाणु के, जैसे प्रश्न लिख दिया ये कि किसी परमाणु के एम कोष में दो इलेक्ट्रॉन है तो उस परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, कुल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो बताने हमें, तो M में दो है। तो अब देख आपको ऐसे प्रश्न आज हल करने का तरीका क्या है, ऐसे करेंगे कि पहला कोष क्या है K, दूसरा कौन सा है L, तीसरा कौन सा है M, चौथा कौन सा है N, और ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन भरेंगे परमाणु में, तो हमेशा परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले में बढ़ते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं अधिक ऊर्जा वाले में, फिर और अधिक वाले में से, तो सबसे पहले भरेंगे के पूरा भरने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे एल में, एल पूरा भरने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन में, एन भरने के बाद फिर जाएंगे आगे एन के बाद ओ पी, इस प्रकार से चले जाएंगे। तो अब देखो के में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दो, अब प्रश्न क्या दिया आपको कि एम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो है, यानी एम तक इलेक्ट्रॉन भरे, एम के अंदर लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसका मतलब के और एल पहले पूरे भर गए हैं, तो के में दो एल में कितने हैं आठ इलेक्ट्रॉन भर गए,
और एम में कितने दिए आप, कितने भरे हुए हैं, दो ही भरे हैं एम में, बाकी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 16 इसमें भरे नहीं, सिर्फ दो ही भरे लास्ट तक। अब इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये परमाणु का है, इस परमाणु में इतने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कुल कितने हो गए, दो के हो गए, एल के 8 और एम के कितने हो गए, दो, कुल कितने हो गए इसके 12 इलेक्ट्रॉन हैं, कुल कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 12 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपको निकाल लेने चाहिए, पहले कोष में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में ऐसे, और कोष को दर्शाने का तरीका पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, इस प्रकार से आपको करना आना चाहिए। और अगर थोड़ा सा इसको हम डायग्राम से और समझना चाहें तो आप इस प्रकार डायग्राम समझ सकते हैं, जैसे देखो आपको दिखाता हूँ मैं इस तरह से, जैसे ये है और देखो यहाँ ऑब्जर्व्ड पीरियोडिक स्ट्रक्चर ट्रेंड इन बोथ वैलेंस लेवल एंड इलेक्ट्रॉन डिफर्ड बियॉन्ड एटॉमिक नंबर 18। अब देखो इसमें क्या है, बोर मॉडल प्रिडिक्ट, बोर मॉडल ने क्या है, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n² होते हैं, लिखा ना फॉर्मूला ये। अब देखो 2n² होते हैं ना, अब देखो पहला कोष इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, दो, फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन, दो है। फिर देखो दूसरा कोष, ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, दूसरे वाले में दो, ये दो, ये 4, दो, ये 6 और दो, ये 8, दूसरे में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर कह दे तीसरे में इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो तीसरे में कितने हो गए, दो, दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, दो 12, दो 14, दो 16 और दो 18, तो 8 कितने हो गए, 18 हो गए इस तरह से। तो 2, 8, 18 ऐसे 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन चलते जाएंगे, ऐसे लिखा ना ये 2, 8, 18, 32, 50 ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या है बढ़ते चले जाएंगे किसी कोष में। तो इसकी तीन अवधारणाएं होगी, बोर मॉडल की कितनी होगी, इसमें तीन अवधारणाएं हम पढ़ चुके हैं। पहली तो कौन सी है, उसने इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता, दो बल काम कर दोनों के मानो बराबर है, वो हमने किए। सेकंड क्या है, चारों इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, वो पथ है, उनको क्या बोलते हैं, कोष कक्षीय ऊर्जा स्तर बोलते हैं, जिनको KLMN से दर्शाते हैं। तीसरा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n² होते हैं, ये किया ने। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है इसका, बोर मॉडल का चौथा पॉइंट 4 नंबर, और बोर ने क्या कहा कि जब नाभिक के चारों ओर कोष है और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले कोष में चक्कर लगा रहा है तो पहले में क्यों लगा रहा, कारण क्या है, दूसरे में क्यों नहीं लगा रहा, तीसरे में क्यों नहीं लगा रहा, इस तरह से। अगर मान लो कई इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज करो अगर हम इसको लिखना चाहते ऐसे लिख दें, जैसे यूँ थोड़ा सा ये नाभिक है और इसमें जैसे मान लो एक कोष तो ये है, थोड़ा बना रहा हूँ गोल गोल बन जाए, बन गया गोल, थोड़ा और ये गोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो गया गोल, क्या ये कर दिया गोल, है ना। अब उसने क्या कहा बोर ने, अब बोर ने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ ये मान लो इलेक्ट्रॉन ए है और ऊपर वाला जैसे इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन बी है, अब ए और बी वाले में कहते हैं किस इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा का मान ज़्यादा है, तो एनर्जी किसकी अधिक है, कि बी वाले की ज़्यादा है किसकी तुलना में, ए वाले की तुलना में, क्योंकि जो जो कोष बढ़ेंगे ऊर्जा का मान क्या बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब बी वाला इस सेकंड कोष में चक्कर क्यों लगा रहा है, ये फर्स्ट में लगा रहा है, सेकंड में चक्कर क्यों लगा रहा है, कि बी वाले की ऊर्जा ज़्यादा है, ए वाला फर्स्ट में क्यों लगा रहा है, कि ए वाले की फर्स्ट में ऊर्जा क्या है ज़्यादा। तो अगर यूँ कह दें कि इस ए वाले को अगर हमें बी वाले में लेके जाना है यूँ, यानी कम ऊर्जा स्तर से क्या ले जाएँ इसको, अधिक ऊर्जा स्तर में ले जाएँ, तो यहाँ तक यहाँ आ गया मान लो ये, इसका मतलब कम ऊर्जा से अधिक कब जाएगा, जब इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा कब बढ़ेगी, जब इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करें ऊर्जा को देंगे। तो यहाँ याद रखना पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तब क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी ऊर्जा लेता है, एब्जॉर्ब करता है। और जब अगर बी वाला इलेक्ट्रॉन इसको वापस लाए ए वाले में, तो ऊर्जा इसकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा इस क्या करें, इसको कम करें, कम करेंगे तो ऊर्जा को बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब अधिक ऊर्जा वाले कोष से कम वाले में आएगा तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या करेगा, ये उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसकी धीरे धीरे कम होती है। इसको हम इस प्रकार से डायग्राम से बना सकते हैं, जैसे यूँ कह दें यूँ दो कोष है ये, अब यूँ कह दिया कि इसका ये जो कोष है ना, ये पहला कोष है, ये जैसे दूसरा कोष है, फिर तीसरा ऐसे बीच में, जैसे यहाँ नाभिक का मान लो, ये नाभिक है, वैसे कोष बढ़ रहे हैं। अब यूँ कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम ऊर्जा वाले से कहाँ जा रही है, इस तरह से अधिक वाले में ऊपर की तरफ आ रहा है, ये क्या हो गया, ये ऊपर आ रहा है ऐसे, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, अधिक से ये कम से अधिक की तरफ जा रहा है, तब क्या ऊर्जा का क्या होगा, इसमें ऊर्जा लेगा क्या देगा, तो ऊर्जा लेगा ये, इसका क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होता है,
एब्जॉर्प्शन होता है। और जब ये वापस अधिक वाले से क्या करे, वापस कम वाले की तरफ आए, यहाँ आ जाए नीचे, तब ऊर्जा क्या करेगा, बाहर की तरफ ये ऊर्जा को निकालेगा, और बाहर निकालेगा तो क्या होगी ऊर्जा का, क्या होगा, उत्सर्जन होता है, इमिशन, उत्सर्जन होता है। तो ऊर्जा का तो याद ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में जाएगा तब ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। फिर याद रखना है सेकंड पॉइंट कि कम से अधिक वाले में जाएगा निम्न ऊर्जा स्तर, ये तो क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर, और ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर। कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा तब तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और जब ये क्या करेगा, उच्च से निम्न में आएगा तब क्या ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करता है। और ये ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन जो है वो क्या है, छोटे छोटे बंडल के रूप में होता है, जिनको बोलते हैं फोटोन या क्वांटम, या क्या कहते हैं इनको, ऊर्जा के पैकेट बोलते हैं, या क्वांटा कहते हैं। जैसे अगर हम इस थोड़ा लिखना चाहें ना, तो इस प्रकार से इसको आप दर्शा सकते हो, जैसे यूँ है, ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है कि पहला कोश, इसमें ये क्या है, इसका पहला कोश, ये नाभिक वाला भाग आई, ये भी इसका दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, जब एक तीसरे से दूसरे में आ रहा है, यानी अधिक से वाले से क्या आ रहा है, कम वाले, तो ये तो क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर है, और ये वाला क्या है, ये है निम्न ऊर्जा स्तर। तो उच्च से निम्न में आ रहा है तो क्या कर, ऊर्जा को क्या करेगा, ये बाहर निकाल रहा है, क्या कर रहा है, ऊर्जा का ये उत्सर्जन कर रहा है, उत्सर्जन। और ये ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्या है, छोटे छोटे बंडल जिनको बोलते हैं फोटोन, क्या कहते हैं इनको, फोटोन या क्वांटम कहते हैं, या क्वांटा कहते हैं। और फोटोन के लिए ऊर्जा समीकरण क्या होती है, ई बराबर क्या लिखते हैं, एच न्यू, याद रखना है। और न्यू या तो यहाँ पर क्या आवर्ती है, और एच यहाँ पर क्या, ये प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक होता है, और ई यहाँ पर क्या है, ऊर्जा है। तो दो कोशों के बीच ऊर्जा अंतर को ई बराबर एच न्यू फोटोन है, इसके द्वारा दर्शाते हैं। और फोटोन की ऊर्जा समीकरण इसको बोलते हैं प्लांक समीकरण, क्या बोलते हैं इसको, प्लांक समीकरण कहते। तो ध्यान रखना प्लांक समीकरण का फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्लांक समीकरण को दर्शा सकते हो। दूसरा आपको याद रखना है कि फोटोन की ऊर्जा समीकरण बताइए, तो फोटोन की ऊर्जा समीकरण के लिए फॉर्मूला याद रखना, ए बराबर क्या होता है, एच नहीं होता है, फोटोन की ऊर्जा के लिए समीकरण है ये थोड़ी याद रखनी है आप, ठीक है ना। अब देखो इसमें ए बराबर लिखा ना आपने, एच न्यू फोटोन की ऊर्जा या प्लांक समीकरण, इसको आगे और भी एग्जाम के दृष्टिकोण से फॉर्मूला याद रखना, एक तो याद रखना फॉर्मूला फोटोन के लिए, एक न्यू बराबर क्या लिखते हैं, सी बट्टे लेमडा लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आवर्ती के लिए सूत्र। और ये वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, यहाँ लगा देते एक फॉर्मूला और आ जाएगा, ई बराबर एच सी बटे लेमडा, ई बराबर एच सी बटे लेमडा आ गया, ये याद रखना है। और वन अपॉन लेमडा जो होता है ना, इसको बोलते हैं न्यू बार, तरंग संख्या, इसको तरंग संख्या, वेव नंबर बोलते हैं। तो तरंग संख्या दर्शाने का तरीका ये है, तो इसको इसको अगर यहाँ रख दें, इसमें रख देंगे तो एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, ई बराबर एच सी न्यू बार, एक फॉर्मूला ये आ गया। तो अलग अलग के इसके तीन चार सूत्र आ गए, एक ये आ गया, एक ये, एक ये, एक वाला ये आ गया, एक ये आ गया, अलग अलग चार पांच फॉर्मूले आपको याद रखने, इस पे बेस कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये चौथी अवधारणा थी बोर मॉडल की, चौथी अवधारणा। उसके बाद देखो पाँचवीं अवधारणा बोर मॉडल की, पाँचवीं अवधारणा में क्या है, बोर ने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उस अवस्था में प्रत्येक कक्ष या कोश के लिए एक निश्चित कोणीय संवेग का मान होता है, और इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन का जितना कोणीय संवेग होगा उसके बराबर वाले कोश में क्या करेगा, वो चक्कर लगाता है, यानी पहले वाला पहले में, सेकंड वाला सेकंड में क्यों लगा रहा है, उनके लिए निश्चित कोणीय संवेग का मान। और किसी कोश के लिए कोणीय संवेग लिखते एम वी आर, यानी संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, एम इंटू वी होता है। और जिस राशि जो राशि किसी अक्ष के सापेक्ष घूमे ना, उसमें हमेशा जब संवेग निकालते हैं तो सीधा संवेग नहीं निकालते, उसका कोणीय संवेग निकालते हैं, यानी जिस अक्ष के सापेक्ष घूम रही है तो उस वस्तु की उस अक्ष के बीच की दूरी कितनी, उस दूरी से गुणा कर देते हैं, तो लिखा ना आर से गुणा कर दिया हमने। तो कोणीय संवेग को कैसे लिखते हैं कि कोणीय संवेग एम वी आर से लिखते हैं, और एम वी आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, उसने क्या कहा कि एन एच अपॉन टू पाई होता है,
ध्यान रखना ये। क्या ये कोणीय संवेग का फॉर्मूला है कि किसी कक्ष या कोश के लिए कोणीय संवेग का मान एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई होता है, और यह एन क्या है, कोष की संख्या है, एन क्या है, ये कोश की संख्या है, एच क्या है, प्लांक स्थिरांक, एच क्या यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट का मान है, और प्लांक स्थिरांक का मान याद रखना है, और ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं इसे 6.6 × 10⁻¹⁴ तो 34, और ये याद रखना है 6.6 × 10⁻²। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था कि हम अधिकतर क्या करते हैं, कोणीय संवेग का फोर यानी इसकी ये कोणीय प्लांक स्थिरांक जो है, इस प्लांक स्थिरांक का मान याद कर लेते हैं, लेकिन इसके आगे इकाई क्या होती है, उस इकाई को हम याद नहीं करते, जल्दबाजी तुरंत पढ़ जाते हैं, लेकिन इसकी इकाई है ना। अब सेकंड ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कोणीय ये प्लांक स्थिरांक की इकाई होती है, वहाँ पर ऑप्शन आ गए जूल इंटू सेकंड, जूल प्रति सेकंड, जूल गुना किलोग्राम गुना सेकंड, ऐसे लिख दिया अलग, और अधिकतर इकाइयाँ प्रति में लिख दिए मीटर प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, ऐसे अधिकतर ऑप्शन में क्या क्या बच्चों ने जूल प्रति सेकंड कर दिया, लेकिन वास्तव में इसकी इकाई क्या होती है, अगर 10⁻¹⁴ आए ना, 10⁻¹⁴ आएगा तब इसकी इकाई क्या होगी, कहते हैं जूल इंटू सेकंड में, ये इंटू ध्यान रखना ये गुणा है, और ये 10⁻²⁷ आए तो इसे लिखते अर्ग से, अर्ग इंटू सेकंड, ध्यान रखना अर्ग इंटू सेकंड, क्योंकि एक जूल बराबर कितना अंतर इनके बीच 10⁻⁷ का है, तो एक जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है, ध्यान रखना 10⁻⁷ अर्ग होता है एक जूल बराबर। ये है इसकी पांचवी अवधारणा। देखो इसमें प्रश्न कौन कौन समझते हैं, एक तो कोणीय संवेग के लिए फॉर्मूला सूत्र याद रखना है, किसी कक्ष के लिए कोणीय संवेग का मान बताइए, तो एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड इसमें क्वेश्चन क्या आता है इसी के अंदर, अब इसमें क्वेश्चन अगला क्या आएगा, कोणीय संवेग में पूछेंगे ना, तो पूछ लेंगे कि पहले कोष के लिए कोणीय संवेग का मान बताओ, पहले कोष के लिए तो एन का मान क्या आ जाएगा एक, और एन का मान एक रखते ही फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम वी आर बराबर एन का मान एक हो गया तो एच अपॉन टू पाई आ गया, तो ये क्या है पहले कोष के लिए कोणीय संवेग का मान आ गया। अब पूछ ले दूसरे के लिए निकालो, दूसरे कोष के लिए कोणीय संवेग का मान, एन का मान क्या देगा दो, एन का मान या दो रख देंगे तो फॉर्मूला क्या देगा, एम बी आर बराबर टू यानी एन एच अपॉन टू पाई, तो एन की जगह टू एच अपॉन टू पाई हो जाएगा, और टू से टू कट जाए तो क्या बच गया एच अपॉन पाई आ गया, एच अपॉन पाई आ गया। कहते तीसरे के लिए निकालो, तीसरे कोष तो एन का मान क्या आ गया इसका तीन, तीन रख दोगे तो एम बी आर बराबर क्या आ जाएगा 3h/2π, दो से भाग देते तीन को तो 1.5h/π आ गया, इस तरह से तीसरे चौथे पाँचवें से निकाल सकते हो। अब पहला प्रश्न तो कोणीय संवेग का सूत्र, दूसरा पूछ ले आपको कोई कोस कोई भी लिख दे, आपको कोस लिख दे कोई भी लिख दे सेल, कि पहले कोस के लिए कोणीय संवेग का मान होगा, दूसरे कोस के लिए कोणीय संवेग का मान होगा, तीसरे के लिए होगा, चौथे के लिए ऐसे आ जाए, उस अवस्था में आपको कोणीय संवेग के मान आपको निकालने आना चाहिए, फॉर्मूले में एन का मान रख के निकालना है। दूसरा इस टाइप में थर्ड इसका क्वेश्चन कौन सा टाइप है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको कोस लिख देंगे या कोणीय संवेग का मान मिल जाएगा लिखा हुआ, कोस पूछ लेंगे आपसे, कह देंगे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए या कह दें किसी कोस के लिए कोणीय संवेग का मान एच अपॉन पाई है, तो वह इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में चक्कर लगा रहा है। अब एच अपॉन पाई यानी एन का मान कितना रखें इस फॉर्मूले में, एम बी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई, इस फॉर्मूले में एन का मान कितना रखें कि ये फॉर्मूला एच अपॉन पाई रह जाए, तो दो से दो काटना है तो क्या करेंगे दो एन का मान दो रख देंगे, दूसरे कोस का होता है इसका मतलब दूसरे कोस में चक्कर लगा रहा है, तो यानी एक तो आपको कोस दे दे कोणीय संवेग का मान पूछ ले, ए आप कोणीय संवेग का मान दे दे कोस का मान पूछ ले, तब आपको निकालना आना चाहिए। और इसका चौथा टाइप क्वेश्चन जो है ना इसी कोणीय संवेग में एक क्वेश्चन टाइप और है, वो क्या है, प्रश्न क्या आता है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या आता है निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय संवेग का मान संभव नहीं है, क्वेश्चन क्या आता है कौन सा कोणीय संवेग का मान संभव नहीं है, फिर यहाँ लिख दिया ऑप्शन आपको कि 2h/π लिख दिया, यहाँ 1.5h/π इस तरह लिख दिया, यूँ लिख दिया 2.5h/2π, और यहाँ लिख दिया
3.5 h अपॉन पाई कौन सा मान नहीं हो सकता। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना तब ध्यान रखना आपको पहले जो मान दिए वो चेक करो कौन से कोस के लिए मान है वो। अब तो कोस की संख्या जो होती है इनका मान वो हमेशा पहले या पहला कोस होगा या दूसरा या तीसरा या चौथा ऐसे कोस होंगे। कोस के मान कभी भी भिन्न संख्या में नहीं आएगा कि डेढ़ कोस 1.5 कोस 2.5 ऐसे कभी नहीं होता। कोस का मान हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रखना है और जिस कोणीय संवेग में एन का मान 1, 2, 3, 4, 5 रख के निकाला गया वो सही है। जिनमें एन का मान 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है वो गलत है। अब देखो सब में चेक कर लो आप सब में चेक करोगे तो पहले वाले में देखो एन का मान क्या रखा है यहाँ नीचे 2 था तो कट्टा तो 2 बच गया उसका मतलब एन का मान यहाँ कितना था 4 था तो 4h/2π 2 कट गया 2h/π बच गया एन का मान 4 है चौथा कोस का मान है सही है ये। दूसरा देखो सेकंड सेकंड में क्या है यहाँ कितना रखा गया है यहाँ रखा गया 3 है ना 3 रखा तभी तो हुआ ना ये 3h/2π कट गया ये 1.5h/π रह गया तो एन का मान 3 ये भी ठीक है एन का मान 3 हो सकता है। ये देखो ये वाला इसमें क्या रखा है एन का मान 2.5 रखा है क्यों क्योंकि 2.5h/2π अगर 2 नहीं होता तब तो सी होता ये 5 हो जाता ये लेकिन यहाँ 2 है नीचे का मतलब यहाँ एन का मान 2.5 ही है तो एन का मान 2.5 नहीं हो सकता ये गलत है। अगला देखो एन का मान क्या रखा है यहाँ 7 रखा है कैसे कि 3.5 क्या लिखा है 3.5h/2π ये सॉरी ये है ना 7 तो 7h/2π तो 7 को काट दिया इसको क्या बच गया 3.5h/π बच गया। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ n का मान कितना है 7 है तो ये संभव है। इसका अर्थ हो गया कौन सा संभव नहीं है जिनमें n का मान क्या आ गया भिन्न संख्या में 2.5 आ गया वो यानी कोणीय संवेग का मान संभव नहीं है। इस प्रकार से कोणीय संवेग अकेला कोणीय संवेग उसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अलग अलग कैसे घुमा के पूछने आप आराम से कर सकते हो थोड़ा सा आप ध्यान रखो। तो ये तो है बोर मॉडल कितनी अवधारणाएं होगी बोर मॉडल की ये 5 अवधारणाएं होगी ये थोड़ी सी आपको ढंग से याद रखनी है कि पहले अब देखो दोबारा एक बार आप मेरी तरफ देखो कॉपी छोड़ दो कॉपी अगर ले रखी है तो और देखो पहली अवधारणा क्या थी उसने रदरफोर्ड मॉडल की कमी को दूर किया कि 2 बल इलेक्ट्रॉन पर लगते हैं घूमता है तब बाहर निकालने वाला अपकेंद्रीय अंदर खींचने वाला अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल का मान mv²r अभिकेंद्रीय बल का मान z²r² दोनों के मान बराबर बराबर करने के बाद r से r कैंसिल हो गया तो mv² बराबर क्या आ गया z²r आ गया बोर मॉडल की पहली अवधारणा। सेकंड क्या लिखा हमने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाता है ना पथ में उनको कक्ष या कोष या ऊर्जा स्तर बोलते हैं जिनको KLMN से दर्शाते हैं और इनके लिए n का मान 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है। फिर तीसरी क्या लिखी कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n² होते हैं n यहाँ पर कोष की संख्या है ऐसे n का मान पहला कोष दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके निकाल सकते हो तो पहले में 2 फिर 8 फिर 18 फिर 32 फिर 50 ऐसे करते चले जाएंगे। उसका चौथी अवधारणा क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा लेगा अवशोषित करेगा उससे निम्न में आएगा तो ऊर्जा को बाहर निकालेगा वापस उत्सर्जित करता है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन क्या है छोटे छोटे पैकेट यानी बंडल के रूप में होता है यानी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। इसका अर्थ क्या हो गया ऊर्जा क्वांटीकृत होती है क्वांटिजाइज होती है मतलब याद रखना और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया ऊर्जा होती है स्थित होती है रेखीय होती है ऐसे अलग अलग दे 4 क्वांटीकृत होती है तो ऊर्जा कौन सी होती है हमेशा ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। उसके बाद आपने पांचवी अवधारणा क्या पढ़ी है कि जब इलेक्ट्रॉन कोष में चक्कर लगा रहा है तो हर कोष के लिए निश्चित कोणीय संवेग का मान होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है mv² = nh/2π होता है n यहाँ कोष की संख्या रखते जाओ n का मान प्रत्येक कोष के लिए कोणीय संवेग का मान आप निकालते चले जाओ। इसके अलावा इस कोणीय संवेग में 2-3 प्रकार के प्रश्न आते हैं जो अभी मैंने आपको डिस्कस किए हैं थोड़े से आपको याद रखने ये तो क्या है बोर मॉडल की कुछ अवधारणाएं थोड़ी याद रखनी है। और अगर आपको परमाणु थोड़ा देखना हो किस प्रकार से परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं किस तरह से नाभिक है चारों तरफ कोष कैसे है तो उनको दर्शाने के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक आपको 3D डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको जो आपके लिए एक बार कहते हैं ना अभी हम मेथड शुरू करेंगे एक दिन में एक दो कल या परसों से है ना मेथड की वीडियो डालूंगा मैं तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल आमिन गोरी सर के नाम से चैनल उसको अभी सब जब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आगे मेथड वाली वीडियो में प्रत्येक इंडिविजुअल किसी के भी यानी इसमें व्हाट्सएप पे नहीं डालूंगा अभी तो मेरे पास जिसके व्हाट्सएप नंबर है उनका मैंने ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप के अंदर क्या मैं डाल देता हूँ सबके पास पहुँच जाता है। फिर आगे मैं 6 विधि वाले वीडियो ना ग्रुप में नहीं डालूंगा
आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो आप चैनल को देखो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, जिन बच्चों के नहीं कर रखे हैं वो कर लो, ताकि उनके पास इंडिकेशन पहुंच जाए कि किस प्रकार से वो यानी मेथड पढ़ने हैं, किस प्रकार से कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मेथड बढ़िया तरीके से कराऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो देखो, अब देखो बोर मॉडल वाले में इस प्रकार से हमारे परमाणु को बता सकते हैं। देखो इसमें लिखा ना एटम, इस तरह से ये परमाणु है जिसको हमने क्या ऐसे खड़ा काट लिया है, इसका ये क्या है अनुप्रस्थ काट, इसकी काटी हमने TS। और देखो अनुप्रस्थ काट काटी तो इसमें देखो ये बीच में क्या है, ये नाभिक है, देखो बना रखा है, इस नाभिक को हमने दूर ले जाकर दिखाया, ये नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। देखो न्यूट्रॉन ग्रीन वाले न्यूट्रॉन है ऐसे, और प्रोटॉन कौन से है, ये रेड वाले प्रोटॉन है ऐसे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंधे हुए हैं, ये क्या न्यूक्लियस नाभिक है। और इस नाभिक के चारों ओर क्या है, इस प्रकार से कोश आई हूँ ऐसे, इलेक्ट्रॉन चक्र काट रहे हैं इस तरह से। अब देखो ये नीले वाला है ना, ये नीले वाला दिख रहा है जो, ये कौन सा है, ये पहला कोश है के, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन चक्र काट रहे हैं। दूसरा कौन सा, एल, एल के अंदर क्या है, ये दूसरा कौन सा, ये वाला, ये एल वाला कोश है जिसको हमने दिखाया ना बाहर की तरफ, ये अंदर काटे तो ये अंदर वाला भाग है ऐसे, ये पूरा एल वाला है, ये एल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर क्या है, इस प्रकार से ये क्या है, कोश कक्ष है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है लगातार इसमें क्या चक्कर काट रहे हैं ऐसे। ये डायग्राम थोड़ा आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे लेके आया हूँ, कहीं से भी निकाल के लेके आया हूँ, थोड़ा इन डायग्राम को थोड़ा देखा करो। और कहते हैं कि जो चीज़ें बच्चों के मस्तिष्क में छाप बन जाए ना, वो हमेशा याद रहती है, और उसी छाप को बनाने के कोशिश में मैं इस प्रकार के डायग्राम थोड़े सर्च करके आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें, अपने अन्य छोटे भाई बहन हैं उनको भी दिखाएं, अपने साथी लोगों को भी दिखाएं, ताकि उनको थोड़ा सी चीज़ें रंग से याद हो। देखो एनसाइक्लोपीडिया से डायग्राम लिया है मैंने, ये बहुत ही डाउनलोड वगैरह करके। तो ये तो है क्या बोर मॉडल की 5 अवधारणाएँ होगी। अब देखो बोर मॉडल की अवधारणाओं के बाद अगला पॉइंट क्या है, बोर मॉडल जो है इसमें मेन मेन कमियाँ कौन सी रहेगी, कौन सी इसमें लिमिटेशंस रहेगी, बोर मॉडल की कमियाँ कौन सी रहेगी। अब देखो कमियों में क्या है, सबसे पहले नंबर 1 पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट के अंदर बोर ने, देखो बोर का मॉडल जो है ना, ये बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए, यानी जिनमें क्या हो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, यानी इसकी लिमिटेशंस बोल देना कमियां, बोर मॉडल की कमियां या लिमिटेशंस हैं उसमें क्या है, बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन किसमें, हाइड्रोजन, तो मुख्य रूप से ये बोर मॉडल के हाइड्रोजन के लिए दिया गया था, इसमें 1s1 एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कहते हैं कि जिन परमाणु या आयनों में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उनकी व्याख्या बोर मॉडल से हम कर सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन वाले कौन से हैं, कि जैसे एक वाले कौन से हैं, कि जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में है क्या एक, हीलियम में 2 है तो हीलियम प्लस कर दें एक हो गया, लिथियम में 3 है प्लस 2 कर दें एक हो गया, बेरिलियम में 4 है प्लस 3 कर दें एक हो गया, सोडियम में 10 है प्लस 10 कर दूं तो एक बच गया, कॉपर है 29 है प्लस 28 कर दूं तो एक बच गया। मतलब कहने का मतलब है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, उन्हीं की व्याख्या, स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल से हो सकती है। बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो उनकी व्याख्या हम बोर मॉडल से नहीं कर सकते। अब कई बार प्रश्न इसमें क्या आता है, या तो ये आता है निम्नलिखित में से किस परमाणु या आयन पर बोर मॉडल लागू होता है, फिर आपको 4 ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे, और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक रहेंगे, एक ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एक रहेगा, इनमें से कोई एक लिख देंगे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन उन पर लागू होता है। या फिर उल्टा प्रश्न लिख दें, सेकंड टाइप क्या है कि निम्नलिखित में से किस पर बोर मॉडल लागू नहीं होता है, इसे लिख दिया एच, एच ई प्लस, एल आई प्लस 2, और यहाँ लिख दिया बोरोन। किस पर बोर मॉडल लागू नहीं होता, जिनमें एक उन पर लागू होता है, लागू नहीं होता वो पूछा है, तो एक से अधिक किस में है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक है, और ये वाले भाग में एक है, एक किस में नहीं है, बोरोन में एक नहीं है, तो बोरोन पर लागू नहीं होता, ऐसे घुमा के पूछ लें। तो इसकी पहली कमी क्या रहेगी कि बोर मॉडल केवल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पर क्या लागू होता है, एक से अधिक वाली बोर मॉडल लागू नहीं होता। अब एक वाली कौन सी, जैसे ये एग्जांपल लिखे मैंने, इन पे बोर मॉडल लागू होगा, एक से अधिक वाली पे लागू नहीं होगा, जिसकी पहली कमी होगी। सेकेंड कमी क्या है बोर मॉडल की, दूसरी और सेकेंड कमी बोर मॉडल ने, बोर ने क्या कहा, अब देखो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था जीमान, क्या था, एक का नाम जीमान और एक का नाम क्या था, स्टोर्क, जीमान और स्टोर्क।
अब ध्यान रखना है, जब बोर ने हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम लिया ना, तो स्पेक्ट्रम हम अलग से पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी या जैसे इसमें जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड वगैरह के लिए अलग से कराएंगे, तब उसमें बताएंगे अलग से कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम लेते हैं ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी से ग्राफ मिलता है एक, जैसे हम हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं ना वहाँ पर ईसी चलती है, ईसीजी ग्राफ चलता है, ऐसे उस टाइप का एक ग्राफ होता है, इस टाइप से यूँ ऐसे यूँ इस तरह से यूँ ग्राफ आता है, या ऐसे लाइनें आ जाए ग्राफ में, उस ग्राफ बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और बोर ने क्या कहा कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम लेते हैं ना, उस अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में ऐसी लाइनें मिलती है इस तरह से, और जिसके स्पेक्ट्रम में लाइनें प्राप्त हो उनको बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। तो देखो स्पेक्ट्रम तीन प्रकार का होता है, या तो रेखीय है, या पट्टी बने मोटी थोड़ी बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लिकेटेड जटिल बने तो जटिल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो याद रखना है, अब प्रश्न पहला कि परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है, परमाणु कोई भी हो, परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होगा? रेखीय, लाइनें बनेगी, फिर परमाणु से मिलकर अणु बने, थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो अणु का स्पेक्ट्रम होता है तो बैंड, अणु का क्या बनेगा? बैंड। तो परमाणु का क्या होता है? रेखीय, परमाणु का रेखीय, अणु का बनेगा ना, वो बनेगा बैंड, ऐसे पट्टी बन जाएगी ऐसे, इस तरह से ये होता है अणु का, अणु का स्पेक्ट्रम होता है पट्टी स्पेक्ट्रम। और यौगिक का स्पेक्ट्रम होता है कंपाउंड, यौगिक का कैसे होता है? जटिल होता है, ऐसे यौगिक का जटिल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो तीन पॉइंट है, परमाणु का रेखीय, अणु का क्या होता है बैंड स्पेक्ट्रम, यौगिक का क्या होता है जटिल स्पेक्ट्रम होता है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जब इसने बात बताई तब दो वैज्ञानिक, अभी मैंने नाम लिखा ना, जीमान और स्टोर्क, और क्या क्या जीमान ने सबसे पहले क्या किया, जीमान जो है ना, इस जीमान ने क्या किया, स्पेक्ट्रमी लाइन जो थी ना इस तरह से ही स्पेक्ट्रमी रेखा परमाणु के लिए, उस स्पेक्ट्रमी रेखा के दोनों तरफ क्या चुंबक लगा दिया यूँ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबक लगाने से ये स्पेक्ट्रमी रेखा जो है ना, ये एक सिंगल रेखा न रहकर छोटी छोटी रेखाओं के अंदर ऐसे क्या हुई, टूट गई इस तरह से, इस तरह से। तो ये स्पेक्ट्रमी रेखा, ये क्या है, ये स्पेक्ट्रमी रेखा है, और स्पेक्ट्रमी रेखाओं का इस प्रकार से टूट जाना, इसको बोलते हैं विपाटन हो जाना। क्या बोलते हैं इसको? विपाटन बोलते हैं। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूटना या विपाटन क्या कहलाता है? जीमान के नाम से इसको जीमान प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? जीमान प्रभाव, या जीमान प्रभाव है, लिख दे चार ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूटना, या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में टूटना, या कॉम्प्टन प्रभाव, ऐसे लिख दे चार। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन क्या कहलाएगा? जीमान प्रभाव कहलाएगा। फिर एक वैज्ञानिक और था स्टोर्क, क्या क्या स्टोर्क ने, जब जीमान ने यहाँ लगाया ना चुंबक लगाया, क्या क्या स्टोर्क ने यहाँ यहाँ लगा दिया, उसने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, लाइट, बस इतना याद रखना है। क्या क्या स्टोर्क ने, उसने लगा दी लाइट, विद्युत क्षेत्र काम में लिया, सेम यही डायग्राम, उसने यहाँ पर चुंबक है ना, चुंबक लगा दिया, यहाँ विद्युत क्षेत्र लगा दिया, ऐसे लगाने के बाद स्पेक्ट्रमी रेखा सेम इसी प्रकार से टूट गई। तो स्टोर्क में क्या लिखोगे कि इस तरह से, क्या लिखोगे स्टोर्क में कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूट जाना, इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोर्क प्रभाव कहते हैं। क्या कहलाएगा ये स्टोर्क प्रभाव कहलाता है। तो स्टोर्क प्रभाव कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। और विपाटन किस प्रकार से हुआ, इस विपाटन यानी जीमान प्रभाव व स्टोर्क प्रभाव की व्याख्या बोर मॉडल से नहीं की जा सकती, इसकी ये भी एक कमी रहेगी। इसकी मेन दो कमियां लिख दी मैंने, एक इलेक्ट्रॉन पर लागू होता है, जीमान प्रभाव व स्टोर्क प्रभाव की व्याख्या इस मॉडल से नहीं हो सकती। और अगर आप देखना चाहो तो इस प्रकार से इसको देख सकते हो, जैसे ये है ना स्पेक्ट्रमी रेखा है, इस प्रकार से स्पेक्ट्रमी रेखाओं का आगे क्या है, अन्य छोटी रेखाओं में टूट गई हूँ, इस तरह से टूटी हुई है, टूट जाना यूँ, जिसके आधार पर आगे क्या अलग अलग एनर्जी लेवल बनते हैं, जिसके आप ग्राउंड स्टेट वगैरह ना स्पेक्ट्रमी लाइन वगैरह निकालते हो ना, अलग से BSc पढ़ते हैं उस टॉपिक में, तो वो वाली चीज़ें यहाँ आ जाती है। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का इस प्रकार से टूट जाने का कहलाता है वो जीमान व स्टोर्क प्रभाव, इसकी व्याख्या बोर मॉडल से नहीं की जा सकती। तो यहाँ तक तो यही है बोर मॉडल, यहाँ तक तो परमाणु संरचना के तीन ओल्ड कंसेप्ट यानी ओल्ड मॉडल पूरे हो गए, थॉमसन का पूरा हो गया,
उसके बाद रदरफोर्ड का पूरा, उसके बाद किसका हो गया, बोर का पूरा हो गया। तो ये परमाणु संरचना की तीन अवधारणाएं होगी। इसके बाद परमाणु संरचना की नई अवधारणाएं पढ़ेंगे हम, न्यू कंसेप्ट, जिसमें प्रकाश की द्विवेद प्रकृति, डी ब्रोगली अवधारणा, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद कक्षक ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका, वो सारा पढ़ेंगे, वो अगले चैप्टर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अब फिर मिलते हैं, नमस्कार।